समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। अंतिम चरण का मतदान और बिहार में सियासी घमासान। बिहार की पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार मीसा भारती ने मतदान के दौरान कहा कि ये चुनाव जनता के मुद्दों का चुनाव है। उन्होंने कहा, हम उनके हक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और तेजस्वी यादव ने मतदान के बाद कहा कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। उन्होंने कहा, इस बार जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ ही सब वोट देंगे। मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से। देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोग तो एकदम टनाटन, सब लोग पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है। और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है, उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट दें। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।